अच्छी है ना? अरे इतनी सुंदर और सुशील लड़की है कि कोई भी कह देगा इसके लिए हाँ। विक्रम को जरूर पसंद आएगी। लाओ लाओ, मैं विक्रम को दिखाती हूँ। विक्रम ये देखो। हमें हमें किसी लड़की में यह है ना कि हम विवाह नहीं करना चाहते। अरे ऐसे कैसे विवाह नहीं करना? अगर ये पसंद नहीं है बेटा तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इनमें से पसंद कर लो कोई लड़की। देखो कितनी सुंदर सुंदर है। ये इलाहाबाद की है, और ये वाली ये कानपुर की है, और सबसे अच्छी लड़की ये मुंबई की है। देखो तो बेटा। अरे सीमा, ये विक्रम तो फोटो भी ठीक से नहीं देख रहा है, पसंद क्या खाक करेगा? अरे बेटा शर्मा क्यों रहे हो इतना, देखो ना। पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, सब मुझे ही दोष देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे कहूंगी मुझसे शादी कर लीजिए तो आप कर लेंगे। हमें बिंदिया पसंद है। विक्रम, जरा तमीज में रहो, समझे? बिंदिया हमारे घर में मेहमान है, वो क्या सोचेगी? तुम अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हो ना, तो पीठ पीछे क्या चल रहा था? काका आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो क्या है कि विक्रम जी, मैं समझाती हूँ जी। वो क्या है कि विक्रम मुझे शुरू से ही बहुत पसंद करते हैं, पहली मुलाकात से। लेकिन अब जब उन्होंने ब्रह्मचारी रहने का फैसला कर लिया है तो आप सबसे कुछ कह नहीं पाए। लेकिन दिल ही दिल मुझे बहुत चाहते हैं, और फिर कल रात क्या? कल रात इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। और सच ये है कि मैं भी इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। आखिर ऐसा पवित्र प्रेमी मुझे और कहाँ मिलेगा? हाँ पर अच्छे जी, इसमें गलत क्या है? और विद्या से अच्छी लड़की मिलेगी भी नहीं विक्रम के लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सीमा, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हम तो बस यही चाहते हैं कि ये दोनों खुश रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे भी चारों के सदमे के बाद हम दिल से चाहते हैं कि विक्रम खुश रहे, इसके साथ फिर से कोई धोखाधड़ी ना हो, सब कुछ ठीक जाए। आप क्या कहते हैं जी? विक्रम तुम बोलो। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। ये लगी लॉटरी।
और अब किसी की क्या मजाल जो मुझे इस घर से निकाले। बस अब ये विक्रम महाराज अपनी मर्जी से कहीं मुकर ना जाए, वरना बिंदिया रानी अब तो आराम की जिंदगी पक्की समझो।